हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक। स्वागत है आपका अपने चैनल बी1 ऑडियो पुणे में। दोस्तों, आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें पेंट कैसे होता है। अपने एक LF9 थे, 21 इंच के कैबिनेट थे, और एक हमने कैबिनेट बनाया है जो थ्री वे है। सिस्टम कैसे है, उसमें 2 15 इंच लगेंगे, 1 750 लगेगा, तीनों में अलग अलग लगेगा। 1 15 इंच में उसमें मिड लगेगा, 1 15 इंच में बेस आएगा, और 1 HF ऊपर, थ्री वे टॉप है। एक बेस, एक टॉप आप ले जाएंगे तो पूरा आपका लाइव का प्रोग्राम एक ही टॉप के, एक जोड़ी में आपका प्रोग्राम पूरा सक्सेस हो जाएगा। उसमें बेस, मिड और हाई, तीनों थ्री वे अलग अलग बनाया हमने। तो वो भी, उसका भी पेंट का काम चल रहा था, तो मैं सोचा कि चलो पेंट कैसे होता है, किस तरह से होता है। और रात में हम पेंट ये ज़्यादातर रात में करते हैं, और रात भर सूखता है, तो मॉर्निंग में इसको फिर जाली ग्रिल जो कुछ उसका हैंडल वेंडल काम रहेंगे वो ऊपर का फिनिशिंग देकर निकल जाता है मटेरियल। तो मैं सोचा कि चलो कैबिनेट के पेंट भी हो रहे, 8-10 कैबिनेट थे, पेंट का काम चल रहा था, तो क्यों ना आपको दिखाया जाए। तो इसी के ऊपर आज का ये पेंट का वीडियो है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से दोस्तों, पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आने वाले दिनों में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो या वीडियो में क्या देखना चाहते हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये रहा दोस्तों, आज कैबिनेट को पेंटिंग हुआ है अपने सारे जितने ही। ये हॉर्न लोडेड पेंट कैबिनेट है जो 21 इंच में बनता है। 21 इंच इसका वीडियो मैंने दिखाया था आपने लास्ट टाइम में। एक देखें, यहाँ से स्पीकर लोड होता है, ये हॉर्न लोडेड। देखिए स्पंज लगाकर आप अगर देख सकते हो तो ये देखिए, ये रहा स्ट्रक्चर अपना हर टाइम जैसा। रोलर ग्रेड में बनाया, रोलर पेंट में बनाया हुआ ये। ये हॉर्न लोडेड 21 इंच के कैबिनेट है, और ये जो कैबिनेट है ये 18 इंच के LF9 है। देखिए आपको मैं इसके भी स्ट्रक्चर चेक करवाता हूँ। देखिए ये पेंट का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। देखिए तो ये स्पीकॉन प्लेट का खाचा है, और ये रहा अपना 21 इंच और ये 18 इंच। ये डुअल 18 LF9 है। इसके अभी हैंडल के लिए खाचा मार रखा है हमने, हैंडल इसमें अभी लगेगा। ये देखिए ये खाचा है अपना, पट्टी के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो खाचा है फाइबर पट्टी में। और ये जो है अपने दो हैंडल, और ये सेम चारों तरफ पट्टी। ये गुजरात के कस्टमर का कैबिनेट है जिनके 4 कैबिनेट का ऑर्डर था लॉकडाउन के बाद, जो भी जाएगा नवरात्रि के आसपास। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 21 इंच और 18 इंच के कैबिनेट में कितना फ़र्क होता है। देखिए यहाँ से अगर दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए इतना फ़र्क होता है दोनों में। ये 18 इंच LF9 है, और वो जो आपको दिख रहा है वो 21 इंच है, 21 इंच हॉर्न लोडेड है। और ये 21 इंच हॉर्न लोडेड जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था 34 इंच है, और अपना जो लास्ट टाइम में मैंने दिखाया था टर्बाइन वाला टर्बो कैबिनेट जो मैंने बताया था वो है 36 इंच, सबसे बड़ा कैबिनेट। तो ये इस तरह से कुछ पेंट का काम होता है दोस्तों। और एक ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया था ना, ये अपना B1 का लोगो लगा है। ये दोस्तों डबल 15 इंच है, और एक सिंगल 750 है। तो इसमें 2 x 15 इंच कैसे लगेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये पेंट अभी सूखा नहीं होगा तो हाथ लगाना मुश्किल है। ये डबल 15 इंच जो है, एक फ्रंट लगेगा, एक हॉर्न लगेगा जैसे T18 होता है, 1000 वाट का इसमें T18 जैसे 15 इंच लगेगा, जो बेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा जो होता है टॉप के लिए, जो 500 वाट लगेगा वो फ्रंट लोडेड होगा टॉप के लिए, सॉरी दोस्तों। और जो तीसरा HF लगेगा वो एक नॉर्मल 750 लगेगा। तो इस तरह से ये जो होता है थ्री वे टॉप बनेगा टोटल। ये काफ़ी अच्छा है जिनको लाइव प्रोग्राम करना होता है और आने जाने की दिक्कत होती है, एक टॉप उठाए, दो टॉप उठाए, इसको दो हैंडल दिए गए हैं, यहाँ दो हैंडल और उस तरह से दो हैंडल। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, इस तरह से यहाँ दो हैंडल है और उस तरह से दो हैंडल, तो 4 हैंडल है। और ये लाइव प्रोग्राम के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए मॉनिटर है, इसका पेंट अभी होगा दोस्तों। ये एक सिंगल वाला और एक सिंगल 450 लगेगा, ये मॉनिटर, इसका पेंट अभी होने वाला है, ये निकलेगा मटेरियल तो ये पेंट होगा। ये लाइव प्रोग्राम के लिए मैंने जैसे आपको वीडियो दिखाया था लास्ट टाइम में इसका, तो ये एक फर्स्ट कोट हो चुका है इसका पेंट का। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट कोट जो होता है मैट फिनिश में होता है, इसके बाद में और एक दोबारा कोट चढ़ता है इसका, ये दोबारा कोट और एक बार चढ़ेगा इसका। तो ये होगा अभी ये मॉनिटर, देखिए 12 इंच वाले हैं ये मॉनिटर सारे, ये कस्टमर का। और ये SRX पैटर्न में है, 12 इंच सिंगल 12 इंच
जैसे स्टैंड में वो लगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। रख सरल सरल ये देखिए ऐसे ही लगेगा, काफ़ी अच्छा है। इसके नीचे अभी जो स्टैंड के लिए लगेगा वो कपलर लगेगा, अभी फिटिंग होगा। तो दोस्तों ये रहा, ये जो होता है ये मॉनिटर इस साइड में होता है। देखिए इसके जो होते हैं हैंडल, ये जो ये हैंडल है इसके अंदर स्पीक ऑन प्लेट फिट होता है। तो ये जैसे मैंने आपने देखा होगा मेरा लास्ट टाइम का वीडियो मैंने बनाया था, भी था इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये देखो आपको इस तरह में यहाँ अभी कपलर फिटिंग होगा, कपलर के बाजू में एक और एक स्पीक ऑन फिटिंग होगा जो आउट के लिए होता है, और एक डुअल के लिए और एक स्पीक ऑन यहाँ अंदर के साइड में दिया होगा। और ये कुछ इस तरह से आपको ये मॉनिटर दिखेगा, देखिए मॉनिटर प्लस स्टैंड के ऊपर दोनों हो जाएगा।